कब से ये बाबा वाला जीवन जी रहे हैं? ये जी रहा है अपन कैंसर अच्छी कभी गुरु महाराज जी कैसे जी रहे राम, मतलब करीब 12 साल 13 साल हो गई। अच्छा, जब से बीवी बच्चे भाई बहन सब छोड़ दिया राम, सब छोड़ दिया, सारी मोह माया त्याग। हाँ, गांव में ही रहते हैं, जन्म भूमि में बाहर नहीं रहते राम। अच्छा, रहते गाँव में ही है। हाँ जी, लेकिन मोह माया त्याग। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा जी पैर खराब हुए थे तो कोई सेवा नहीं करता था अपनी। अच्छा, कोई पानी नहीं देता था। अच्छा, गुरु महाराज कृपा हो गई जाना नारायण की, तो अच्छे कर दिए उन्होंने, तो सब छोड़ दिया उस दिन से, वो हट गया। अच्छा, हाँ, मतलब आपको ये लगा जब आप बीमार हुए कि दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, अपना सारा अपने आप ही, अपने नहीं, वो तो इस बार गुरु महाराज ही करते, कोई सारा उनके अलावा उससे बड़ा कोई सारा नहीं था मेरे को। तो बाबा जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। तो बाबा जी आप कहाँ से यात्रा करके आ रहे हो अभी? अपन जो है गुना जिले से उठाई है यात्रा। अच्छा, गुना ग्वालियर संभाग में। अच्छा, टकनेरा में गरड़ा आश्रम है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में? हाँ जी। कौन से अखाड़े से? पागल बाबा के नाम से स्थान। पागल बाबा के नाम से, गिरिनामा से है। अच्छा जी, तो आप ही पूरी यात्रा साइकिल से कर रहे हो? हाँ जी, पूरी यात्रा साइकिल से कर रहे हो। अच्छा, तो साइकिल से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई, राम जी की कृपा है। दो पैर टूटे हुए फिर भी राम जी ले आए यहाँ तक। अच्छा, दोनों पैर टूटे हुए? हाँ, देख लो ना, आपको सामने ही देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये निशान तो पड़े हुए। अरे, खड़े हुए में ही दिख रहे होगा आपको। हाँ, जय श्री राम। अच्छा, और उसके बावजूद आप पैदल यात्रा कर रहे हैं? पैदल यात्रा, गुरु महाराज के मंदिर में जो शक्ति है कि पता ही नहीं लगा मेरे को। अच्छा, और कहाँ से यात्रा शुरू करी थी? गुना जिले से करी थी। अच्छा, सरकार से। उत्तराखंड आने में कितना टाइम लगा? मेरे को हुआ आज एक महीने का, 10-5 दिन ऊपर हो गया। और अभी कितनी गंगोत्री यमुनोत्री दोनों जगह की यात्रा हो गई? दोनों जगह की यात्रा हुई है बस। ये दोनों यात्रा कितने दिन में हो गई थी? ये अभी एक महीना बता रहे हो, इतने दिन में आके पहुँच जाऊंगा उत्तरकाश। अच्छा, अब इसके बाद इतना केदारनाथ बद्रीनाथ में देखो कितना समय लेते हैं। अच्छा, तो उधर की साइड तो सुनने में आ रहा बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस टाइम पे। जो नारायण करेगा वो होगा, उसकी मर्जी, उधर क्या होगा राम। अच्छा, तो साइकिल खींचते हुए ले जा लोगे? बिल्कुल खींचेंगे राम जी, वही खींचने वाले हैं। और रुकने रहने खाने का क्या करते हो? रहते खाने का जो है कहीं भी मंदिर मंदिर पे रुक जाते हैं। अच्छा, खाना पीना तो बना लेते हैं राम जी, अपना सब सामान रखें इससे। अच्छा, तो और रास्ते में जो खर्चे पानी होते होंगे वो कैसे कर लेते हो? भगवान नारायण सब देता है। अच्छा, उसी में आप चारधाम यात्रा कर ले रहे हो, मतलब फ्री में एक तरह से? हाँ, फ्री है जी। अच्छा, आना फ्री, जाना फ्री, भजन करना फ्री। अच्छा अच्छा, सब काम फ्री है। तो जैसे बहुत से लोग पैसे की वजह से चारधाम यात्रा नहीं कर पाते ना, वो कहते हैं कि बहुत महंगा पड़ता है चारधाम यात्रा करना, पैसा लगता है बहुत ज्यादा। पैसा लगता है हमारे तरफ से 20-20 हजार रुपए एक बस। हाँ, एक बस में एक यात्री आता है तो दूर दूर से 20-25 हजार लेते हैं। हाँ, लेते हैं। और आप बता रहे हो आप फ्री में ही यात्रा कर ले रहे हो? फ्री में यात्रा है अपनी राम जी। अच्छा, तो भोलेनाथ की कृपा है तो क्या करेंगे अपन। अच्छा अच्छा, इसके अलावा बाबा जी मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग अभी बहुत सारे साधु लोग अभी यात्रा पे निकले हैं जी, बहुत साधु ऐसे भी रहते हैं जो हरिद्वार में पैसा मांगते हैं या कुछ नहीं अपने पास तो नहीं, नहीं वो कह रहा हूँ पैसे मांगने वाले थे। देखो राम, वो एक तो बात लिखी रामायण जी में चौपाई लिखी है। हाँ, कि कल जो केवल राम नाम आधारा सुमर समर नरोत्रे पारा, इस पे हर आदमी तो जी नहीं पाएगा। हाँ, कल जो केवल नोट आधारा खरच खरच कर नरोत्रे पारा, इस युग में नोट की बड़ी उपमा है। अच्छा जी, नहीं कुछ बाबा मैंने ऐसे देखे ना जो मतलब हरिद्वार में रहते हैं केवल अपना खाया पिया, उनको ज्यादा वो मतलब नहीं है, सिर्फ मांगने से तब मतलब रहता है। तो पीने खाने वाले वो जैसी नारायण की मर्जी है, कहते रहे हूं मैं आपको रामायण में चौपाई लिखा है ना। हाँ, कि कल जो केवल राम नाम आधारा समर समर नरोत्रे पारा। हाँ, कछु ज्यादार पे जी रहे, वो कछु ज्यादार पे जी रहे, कल जो केवल नोट आधारा खरच खरच कर नरोत्रे पारा, वही है मतलब हरिद्वार और चौपाई। अच्छा, दोनों पे जी रहे है, कोई ये ऐसा थोड़ी है। अच्छा, और आपने आपने बाबा के बारे में बताया कि उन्होंने आपका कैंसर का भी इलाज कर दिया था। जी है ना, गुना जिले में जो है ना मध्य प्रदेश में। अच्छा, जो पागल बाबा रहते हैं उन्होंने जीप से चाट कर ठीक किया, मैं ही नहीं, मंत्री मंत्री विधायक सांसद के पी भैया यादव जी सब जाते हैं राम जी बाबा। अच्छा जी, कैंसर आपका कितने टाइम पहले था? मेरा था 12 साल पहले था, और उसके बाद अभी कुछ नहीं है। हाँ, अभी सब ठीक है। अरे राम जी कृपा, आप सामने ही देख रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो देख रहे कि आप पैदल यात्रा कर रहे हो। तो कब से ये बाबा वाला जीवन जी रहे हैं? ये जी रहा है अपन कैंसर अच्छी कभी गुरु महाराज जी कैसे जी रहे हैं राम, मतलब करीब 12 साल 13 साल हो गई। अच्छा, जब से बीवी बच्चे भाई बहन सब छोड़ दिया राम, सब छोड़ दिया, सारी मोह माया त्याग। हाँ, गांव में ही रहते हैं, जन्म भूमि में बाहर नहीं रहते राम। अच्छा, रहते गांव में ही है। हाँ जी, लेकिन मोह माया त्याग। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा जी पैर खराब हुए थे तो कोई सेवा नहीं करता था अपनी। अच्छा, कोई पानी नहीं देता था। अच्छा, गुरु महाराज कृपा हो गई जाना नारायण की, तो अपनी अच्छे कर दिए उन्होंने, तो सब छोड़ दिया उस दिन से, वो हट गया। अच्छा, हाँ, मतलब आपको ये लगा जब आप बीमार हुए कि दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, अपना सारा अपने आप ही, अपने नहीं, वो तो इस बार गुरु महाराज ही करते, कोई सारा
उनके अलावा उससे बड़ा कोई सहारा नहीं था मेरे को। अच्छा, फिर आपने संन्यास ले लिया जी, तो गृहस्थ जीवन छोड़ दिया? छोड़ दिया, भाई मंदिर पर रहते हैं, गाड़ा सरकार भंडार का काम करते हैं, बनाने खाने का। अच्छा, अभी कितनी जगह घूम चुके हैं आप पूरे भारत में? अभी केदारनाथ बद्रीनाथ होते भाभी जूनागढ़ भी घूम के आया। नहीं, वैसे और भारत में कितने धामों में घूम चुके? धामों अभी इतना ध्यान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब वैसे तो याद हो उज्जैन में घूमा। उज्जैन में तो महीने में रहते हैं राम जी। कितनी जगह मंदिर को? वही तो उज्जैन में ओमकारेश्वर, सौराष्ट्र में सोमनाथ, सब जगह जो है धीरे धीरे घूम चुके राम जी। अच्छा, मतलब भारत के बहुत मंदिर घूमे। अब इतना पता नहीं है कि भारत के कौन से कोने में कौन सा मंदिर पड़ता है, क्योंकि वो अपन पढ़े लिखे वो तो सब कुछ। कोई बात नहीं, वो तो आप घूमे तो हो, नॉलेज तो है घूमने का। और इसके अलावा आप मतलब भारत की सभी जगह में घूम चुके हो? हाँ, सब जगह पे और घूमेंगे। अभी चार धाम ये यात्रा लिख रही है ना, हाँ, इसमें जो एक धाम होगा केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, ये मिला के एक धाम होगा। हाँ, दूसरा धाम जगन्नाथपुरी, तीसरा धाम जो है ना द्वारकापुरी, और चौथा धाम रामेश्वरम। हाँ, ये सब चारों धाम करना है। अच्छा, साइकिल में भी लिखा है। अच्छा, जो एक धाम मतलब मेन धाम है वो बद्रीनाथ धाम को बोलते हैं, बाकी केदारनाथ तो ज्योतिर्लिंग है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, एक गांव में इधर था। हाँ, ये उत्तराखंड की छोटी चार धाम यात्रा बोलते हैं इसकी। हाँ, तो अच्छा, फिर अब आप पैदल पैदल ही जाओगे? जी ठीक है, फिर बाबा जी आप जाओ, फिर आपकी यात्रा मंगलमय हो। अरे बढ़िया साहब, अच्छी बात है। एक दिन में कितना किलोमीटर कर लेते हो वैसे? एक दिन में 30-40 किलोमीटर कर देते हैं ये पहाड़ी इलाका। 30-40 वैसे 100 किलोमीटर निकलते हैं अगर। ठीक है बाबा जी, ठीक है, धन्यवाद।